फरहान अख्तर की मूवी तूफान आके रिलीज हो ही गई एंड मूवी की ओवरऑल स्टोरी ऑलमोस्ट उसके ट्रेलर में ही दिखा दी गई थी हमें पहले से, बट फिर भी पर्सनली मैं इस मूवी के लिए थोड़ा एक्साइटेड तो था, बिकॉज यार फरहान अख्तर के एक्टिंग स्किल्स बाकी बॉलीवुड एक्टर्स से मुझे काफी डिफरेंट लगते हैं एंड उनकी काम के लिए डेडिकेशन तो हम भाग मिल्खा भाग जैसी मूवी में देख ही चुके हैं। लेकिन अब बात ये आती है कि तूफान मूवी जिसका इनिशियल रिलीज 18 सितंबर 2020 को था वो जुलाई 16 2021 को आई है। सो आफ्टर वेटिंग फॉर सो लॉन्ग इज दिस मूवी रियली वर्थ वॉचिंग, और अगर ये मूवी वर्थ वॉचिंग है तो क्या जनता की उम्मीदों पर खड़ी उतरी है ये मूवी या नहीं? मूवी के बारे में और जानने के लिए इस चैनल पर बने रहें जिसका नाम है विजडम टीवी। अच्छा रिपोर्टर गिरी बंद करता हूँ, सीधे मुद्दे पर आता हूँ और रिव्यू शुरू करता हूँ। देखो मूवी को डायरेक्ट किया है राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने एंड फरहान अख्तर के साथ इनकी पिछली मूवी थी भाग मिल्खा भाग एंड वो मूवी बॉलीवुड में एक तूफान ले आई थी। देखो भाग मिल्खा भाग के अकॉर्डिंग अगर आप इस मूवी को जज कर रहे हो ना तब तो आपका निराश होना जायज है, बिकॉज यार मूवी ठीक है बट भाग भाग मेरा मतलब भागम भाग भाग मिल्खा भाग के लेवल की बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर आप नॉर्मली इस मूवी को देखने बैठे हो तो आई एम श्योर ये मूवी आपको जरूर पसंद आएगी एंड एक वो बॉक्सिंग स्पिरिट वाली फील होती है ना वो फील ये मूवी आपको जरूर दिला देगी। दो मूवी थोड़ी लंबी है, मतलब टोटल ये मूवी 2 घंटे 40 मिनट की है। मूवी इतनी लंबी होने के बावजूद बोरिंग नहीं लगती। स्पॉइलर अलर्ट, स्टोरी लाइन मूवी की काफी अच्छी भी है और थोड़ी सी टिपिकल भी। एक मुस्लिम लड़का जो कि पहले गुंडा था उसे एक हिंदू लड़की से प्यार हो जाता है एंड वो लड़का उसी लड़की के बाप से ट्रेनिंग लेता है बॉक्सिंग की और स्टेट लेवल चैंपियन भी बनता है। फिर जब उसके कोच को पता चलता है कि तूफान यानी फरहान अख्तर ने उसी की बेटी को पटाया हुआ है तो कोच साहब गुस्सा होकर तूफान को बाहर निकाल देते हैं अपने घर से और दिल से भी, बिकॉज यार कोच की बीवी एक टेररिस्ट अटैक में मारी गई थी एंड कोच की एक टिपिकल थिंकिंग है मुस्लिम लोगों के रिगार्डिंग। दो बाद में वो बदल जाता है लेकिन तूफान और अनन्या यानी कोच की बेटी ये दोनों शादी कर लेते हैं एंड कोच से अलग रहने लग जाते हैं। तूफान के पास पैसे बिल्कुल नहीं है बिकॉज पहले वो एक गुंडा हुआ करता था इसलिए वो कोई प्रोफेशनल जॉब वाला काम भी नहीं कर पा रहा है। और तूफान का एक पंटर होता है, मतलब उसका ही एक दोस्त होता है जिसके दिमाग में 25 दिन में पैसा डबल करने वाली स्कीम आती है। 25 दिन में नहीं 25 मिनट में तूफान को नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप हारने के लिए कोई बंदा पैसे देता है एंड तूफान मजबूर होकर उन पैसों को रख लेता है बिकॉज अनन्या उसके लिए सब कुछ छोड़ छाड़ कर आ चुकी है और अनन्या को सेफ रखने के लिए उसे अपना एक घर चाहिए जहां पर वो दोनों साथ मिलकर रह सके। इसलिए तूफान मजबूर होकर वो पैसे तो ले लेता है एंड बॉक्सिंग मैच हार जाता है। लेकिन जब वो पैसे ले रहा था सीसीटीवी कैमरा में उसकी फुटेज रिकॉर्ड हो गई थी और वो फुटेज बाद में वायरल हो आती है जिसकी वजह से उस पर एक धब्बा तो लगता ही है लेकिन बॉक्सिंग फेडरेशन उसका बॉक्सिंग लाइसेंस 5 साल के लिए जब्त कर देती है। 5 साल बाद उसका अपना एक घर है, उसकी बेटी है छोटी सी, लेकिन उसकी बीवी एक टेररिस्ट अटैक में मर जाती है। उसके बाद तूफान अपनी बॉक्सिंग को फिर से स्टार्ट करता है बिकॉज उसकी बीवी का एक ही सपना था कि वो तूफान को फिर से बॉक्सर बनता देखे और उसे नेशनल्स में जीतता हुआ देखे। लेकिन अब वो बाकी बॉक्सर्स के मुकाबले हैवी अनफिट और स्लो हो चुका है बट वो हार नहीं मानता एंड वो अनन्या का सपना पूरा करता है। लेकिन ये सपना पूरा करने में उसके रास्ते में बहुत हर्डल्स जिन्हें वो अकेला संभाल नहीं पाता, इसलिए अनन्या के पिता यानी तूफान के कोच उसकी हेल्प करते हैं एंड एट लास्ट तूफान का नाम फिर से बॉक्सिंग की दुनिया में छा जाता है। मूवी ओवरऑल काफी अच्छी है एंड हाँ लास्ट बैटल में जो फील आती है वो काफी अच्छी सी लगती है। फरहान अख्तर की एक्टिंग एज ए स्पोर्ट्स पर्सन तो काफी बढ़िया लगी मुझे बट कुछ इमोशनल सीन्स में थोड़ा थोड़ा मुझे पता नहीं क्यों उतना खास नहीं लगा। बट जब वो बॉक्सिंग के बारे में फर्स्ट टाइम सुनता है और उसका पागलपन दिन रात बॉक्सिंग का एक प्रॉपर पंच मारना सीखने की प्रैक्टिस करते रहना और जब वो मोहम्मद अली की वीडियोस देखता है बूस्ट अप होने के लिए, ऐसे छोटे छोटे मोमेंट्स आपको इस मूवी में काफी अच्छे लगेंगे देखने में। मूवी अमेज़न प्राइम पर अवेलेबल है। मैं पर्सनली इस मूवी को उतना ज्यादा रिकमेंड नहीं करूंगा बट बिना ज्यादा उम्मीदें लगाए अगर आप इस मूवी को देखोगे तो मूवी काफी अच्छी भी लग सकती है एंड वीडियो यहां तक देखी है तो सब्सक्राइब जरूर करना यार बिकॉज दिस इज द राइट टाइम टू सपोर्ट। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में।